गर्मियों के मौसम में अक्सर लोग बीमारियों के घेरे में आ जाते हैं। लोगों के लिए आवश्यक है कि वे इससे अपना बचाव कर सकें। लोगों के लिए आवश्यक है कि वे गन्ने का जूस, तरबूज, केले, अंगूर आदि ठंडक देने वाले फलों का प्रयोग करें, जो कि सेहत के लिए लाभकारी हैं। वहीं इस भयंकर गर्मी के मौसम में लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए नजर आए। स्थानीय निवासी कालू राम ने बताया कि मंडी में गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। गर्मी के कारण लोग बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं और इस दौरान पानी के स्रोतों में भी कमी आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस भयंकर गर्मी के मौसम में माता पिता अपने बच्चों को स्वयं स्कूल से लाया करें। इस बार हमारी मंडी में इतनी गर्मी है कि उसका कोई भी हिसाब नहीं है। खासकर छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो गर्मी से बहुत बुरा हाल होता है उनका। स्कूल जाते वक्त अपनी परेशानी आती है, गाड़ी में जाते हैं, कई बार तो ऐसा हो गया कि छोटे छोटे बच्चों को चक्कर आना शुरू हो गया गर्मी के मारे। और जब हम रोड पे चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो लुक भी ऐसी उबल रही है और उसकी जो तापमान, जो गर्मी है, वो इसीलिए मुंह को लगती है और बहुत बुरा हाल होता है। तो दिन को तो इधर उधर बहना पड़ता है, छाया में बहना पड़ता है और आसपास अपने मंडी रहने के लिए जगह बनी हुई है तो पीपल के तले बैठ जाते हैं या आसपास बैठ जाते हैं, तो थोड़ी राहत गर्मी से मिल जाती है। और गर्मी जो है इस बार मंडी में बहुत ही ज्यादा है। बाकी पानी के बारे में बोल रहे हैं। स्थानीय निवासी ने बताया कि इस बार गर्मी बहुत है, जिससे चक्कर आने की संभावना बनी रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि छाते के बिना चलना तो मुश्किल हो रहा है। इस बार मंडी में बहुत ही ज्यादा गर्मी है। वैसे हिमाचल प्रदेश में बाकी जगहों के मुकाबले बहुत कम गर्मी होती थी, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इस वजह से बच्चों को बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे अगर वो स्कूल से आते हैं तो हो सकता है कि उनको बीच में गर्मी की वजह से चक्कर वगैरह आ जाए। छाते के बिना तो चला भी नहीं जाता आजकल गर्मी में, इतनी तेज गर्मी हो गई है। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शायद ये हो गया हो और थोड़ा पॉल्यूशन भी इसका रीजन हो सकता है। वैसे हम तो गर्मी से बचने के लिए छाता ही ले सकते हैं और एक पानी की बॉटल हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, ताकि कहीं पे भी अगर आपकी तबीयत खराब हो तो आप मतलब डिहाइड्रेशन ना हो सके, क्योंकि इस गर्मी में तो नॉर्मली किसी भी इंसान को चक्कर आ सकता है। तो इसलिए छाता और पानी की बॉटल